गुड इवनिंग फ्रेंड्स, अभी जो है आज का ब्लॉग मैं फिर इवनिंग से स्टार्ट कर रही हूँ। ये मैंने बेसन का घोल तैयार किया है और इसका जो है मैं पकोड़े बनाने जा रही हूँ। और कुछ पकोड़ों को मैं है जो सब्जी बनाऊँगी, बेसन की सब्जी बनाऊँगी और रोटी बनाऊँगी। बहुत दिन हो गया आलू ये सब खाते खाते, ऐसा मैं तो डेली जो है रेसिपी चेंज करती रहती हूँ। हम कभी एक रेसिपी खाते ही नहीं हैं, और कभी आलू अगर एक दिन बन गया तो 4 दिन के बाद ही आलू दोबारा बनता है, ऐसा कुछ नहीं है। और अभी जस्ट मैंने कपड़े धोने के लिए लगाए हैं, तो मैंने कपड़े धोने के लिए लगा दिए क्योंकि एक दिन छोड़ के एक दिन हम कपड़े धोते हैं। ये रहा मेरा मशीन और मैं इसे चेक कर लेती हूँ। तो आजकल ब्लॉग जो है मैं इवनिंग से ही स्टार्ट कर रही हूँ। तो ये है मेरा इवनिंग का ब्लॉग, और पकौड़ों के साथ, चाय पकौड़ों के साथ, और थोड़े से पकौड़े ये बनाऊंगी क्योंकि मैं और निशु ही है खाने के लिए। और उसके बाद जो है सब्जी बनाऊंगी, उसके बाद देखते हैं। और हैप्पी रिपब्लिक डे आप सभी को, बहुत सारी शुभकामनाएं मेरी तरफ से। तो आप लोगों की जो डिमांड थी उस डिमांड के ऊपर मैंने वीडियो जो है शेयर कर दी है आप लोगों को। एक मिनट, मेरा कैमरा स्टैंड टूट गया ना, बहुत प्रॉब्लम हो रही है। तो आप लोगों को जो वीडियो है वो बहुत ज़्यादा पसंद आई है, इसके लिए थैंक यू सो मच। और बहुत जल्दी मैं एक ब्राइडल पे भी ब्लॉग डालूंगी जल्दी। तो बस यही है, जितना मुझे पता था मैंने आप सबको बता दिया है। और अगर उसके बारे में ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप आपको सारा सब कुछ समझ में आ जाएगा, और वहाँ पे आपका बैंक डिटेल वगैरह सब कुछ सेफ है। और उसके बारे में, मीशो के बारे में बहुत सारे आपको डिटेल जो है यूट्यूब के अंदर मिल जाएगा। और बहुत लोग मीशो कंपनी से जुड़े हुए हैं, मैं ज़्यादा डिटेल नहीं बताना चाहती क्योंकि ये मेरा ब्लॉग है और मुझे जो बताना था बता दिया है। और यूट्यूब पे वैसे भी बहुत सारे लोग हैं, एमबीए वाले लोग बहुत सारे हैं, एम माने मुझे, बी माने बहुत, ए माने आता है, वो वाले आपको यूट्यूब पे बहुत सारे एमबीए मिल जाएंगे जिनको मुझे बहुत आता है, वो वाले एमबीए आपको यूट्यूब के अंदर बहुत मिल जाएंगे। तो आप सर्च करके देख लेना, आपको एमबीए वाले लोगों से थोड़ा बहुत नॉलेज मिल जाएगा कि आपको मीशो में कैसे काम करना है, कैसे नहीं काम करना है। तो इससे आपको बेनिफिट रहेगा। और अभी जैसा कि मैंने बताया था कि ऐड के ऊपर मुझे काफ़ी गिफ्ट्स वगैरह आते रहते हैं, तो ये ब्लॉग जो है मैं एक ऑनलाइन चीज़ के बारे में आपको और बताना चाहती हूँ जिससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। तो अभी एक मैंने ये पैकिंग खोला है, मुझे नहीं पता था कि ये क्या गिफ्ट है क्या नहीं गिफ्ट है, मुझे पता नहीं था। तो ये मुझे आया है गिफ्ट, तो मुझे लगा कि ये एक मुझे पेन आया हुआ है। मैं एक हाथ से अपना फ़ोन पकड़ा है तो दूसरे हाथ से आपको निकाल के दिखाती हूँ। तो मुझे लगा एक ये पेन मेरे लिए आया हुआ, लेकिन ये कुछ ऐसा पेन का कुछ यहाँ पे कुछ नामो निशान नहीं है, तो मुझे ये समझ में नहीं आया कि ये कैसा पेन है। और उसके साथ एक ये कुछ चार्जिंग पॉइंट दे रखा है, और उसके साथ एक आइसिंग डबल एप्पल करके कुछ दे रखा है। तो मैंने इसकी सारी डिटेल जो है पढ़ी है, तो मुझे पता चला कि ये क्या चीज़ है और कंपनी ने मुझे ये क्यों भेज दिया है। कुछ अच्छा सा गिफ्ट भेज देते हैं तो ज़्यादा बेटर होता। तो ये है क्या चीज़, आप लोग भी कंफ्यूज हो जाएंगे। तो यहाँ पे एक बटन दे रखा है, इसको टिक करने के बाद ये ग्रीन हो जाता है और इसमें से यहाँ पे आवाज़ आ रही है, सुन सकते हो आप। तो ये है, और ये कोई वैसा कुछ बेकार चीज़ नहीं है। इसमें एक डबल एप्पल का आइसिंग फ्लेवर है, यहाँ पे देख सकते हैं, जो कि ये आपके माउथ को फ्रेश रखता है। और आपके माउथ को फ्रेश रखने के लिए है, और ये आप इसे ट्रेवल में कहीं पे भी लेके जा सकते हैं। और जब मैंने पूरा पढ़ा तो मुझे बहुत अच्छा लगा। एक चिंगम की तरह होता है, जैसे आप बाहर जाते हो तो आपने मुंह में कोई चिंगम वगैरह डाल लेते हो, वो चीज़ होता है। तो लेकिन इसका सिस्टम जो है थोड़ा सा अजीब लगा मुझे, क्योंकि यहाँ से ऐसे दबाना है, इसमें इस तरीके से धुआं निकलता है और मुंह में पूरी आइसिंग आइसिंग
पूरी, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मेरे मुंह में पूरा ठंडा ठंडा कुछ डाल दिया गया है। आप जैसे मेंथोल, एक टॉफी निकली हुई थी, बिल्कुल सेम उसी तरीके से है ये। और लेकिन बहुत अच्छी इसकी जो फ्लेवर है ना, वो बहुत अच्छा है, मुंह को बहुत अच्छा एक फ्रेशनेस दे रहा है। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। और इसका एक चार्जिंग पॉइंट, इसके अंदर चार्जिंग दे रखा है, इसको ओपन करने के बाद ये चार्ज होगा और इसके अंदर लिक्विड भरा जाएगा, जिससे आप इसे कहीं पे भी अपने मुंह मुंह का जो है, अगर आपने कुछ खाया है उसके बाद अगर आप इसको लेते हैं, तो ये बहुत अच्छा माउथ फ्रेश करेगा। जैसे कि अभी अभी आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा एक पान चला हुआ है, और वो फायर पान चला हुआ है, तो वो भी कुछ सेम उसके जैसा ही है। ये फायर की तरह ही है, लेकिन इसमें कोई आग वगैरह नहीं है और ये एक इलेक्ट्रॉनिक है। तो ये मुझे इसका ये चीज़ बड़ा अच्छा लगा कि इसको खींचने के बाद जो भी मुंह से धुआं निकल रहा है, लेकिन वो आपके मुंह को एकदम फ्रेश कर दे रहा है। तो ये बहुत अच्छा लगा। थैंक यू, मैं अपने कंपनी को बोलना चाहती हूँ, थैंक यू सो मच। और एक चीज़ और बता देती हूँ, ऑनलाइन बिजनेस से ही बता देती हूँ कि अगर आपका एक यूट्यूब चैनल है, उस पर अगर आपके 1000 सब्सक्राइब से ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं और आपके वीडियो पे अच्छे व्यूज़ हैं, 1000 2000 व्यूज़ हैं, व्यूज़ से भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। तो कंपनी है, आप सबको पता है, डियर लवर साइट करके एक कंपनी है। तो ऐसा नहीं है कि वो किसी बड़े यूट्यूबर को ही डियर लवर साइट जो है कपड़े वगैरह भेजता है, और वो आपके चैनल को रिव्यू, आपके चैनल को देख के आपको भेजता है। मैंने उस पर काफ़ी सर्च किया है, काफ़ी बहुत ज़्यादा सर्च किया है, तब रिजल्ट मेरे सामने कुछ इस तरह आया है कि वहाँ पे एक फीडबैक लिखना होता है, एक मेल लिखना होता है, और अपने चैनल का जो है एक स्क्रीन शॉट सेंड करना होता है। तो वो कंपनी डियर लवर साइट जो है आपको बाद में मेल करेगी। तो आप वहाँ पे अपने चॉइस से उनके कपड़े सेलेक्ट कर सकते हो, जिसका आप अपने चैनल में उस कपड़े के बारे में बता सकते हो, और उस कपड़े की कोई चार्ज वगैरह नहीं होती है, वो फ्री फ्री आप कॉस्ट आपको मिलेगी। बस आपको उसका एक रिव्यू करना होगा, उसके उनके कपड़ों के बारे में आपको बताना होगा कि वो क्या चीज़ है, कैसे है। तो बस यही है। तो डियर लवर साइट जो है कोई बहुत बड़ा वो नहीं है कि आपको वहाँ से चीज़ें जो है नहीं मिल सकती रिव्यू के लिए। तो ये बहुत, ऐसी बहुत सारी कंपनियाँ हैं, मैंने एक कंपनी और डाउनलोड करके रखा है जो कि रिव्यू के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी चीज़ें भेजता है। वो एक इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड है, तो वहाँ से मैं जो है मेल भेज देती हूँ, फीडबैक में लिख देती हूँ, तो सेलेक्ट करने का ऑप्शन आता है, बहुत सारी चीज़ें आती है, तो वहाँ से भी मुझे बहुत सारी चीज़ें रिसीव होती है। बट मैं कपड़े किस लिए नहीं मंगाती हूँ डियर लवर साइट में, मैं वहाँ पे क्यों जाके फीडबैक नहीं लिखती हूँ, क्योंकि मुझे कपड़ों की ज़रूरत नहीं है। ऑलरेडी हमारे घर में कपड़ों का जो है भंडार है, खुद मैं कपड़ों का खुद बिजनेस करती हूँ, जो कि ऑलरेडी मेरा कई साल पुराना बिजनेस है। कपड़ों का ही बिजनेस मैंने शुरू किया था, जब भी शुरू किया था, और बिजनेस का एक सबसे बेस्ट ऑप्शन है। मैंने 2010 से रजिस्टर कर रखा है, जस्ट डायल पे रजिस्टर कर रखा है। तो मैं उसका एक स्क्रीनशॉट आपको दिखा देती हूँ अपने चैनल पे, और उसका पूरा डिटेल दिखा देती हूँ, क्योंकि सबूत के ऊपर ही सारी चीज़ें होती है। जैसे कि होता है, हम कोर्ट में कोई केस लेके जाते हैं तो जज कहता है कि आपके पास क्या सबूत है, तो सेम यूट्यूब भी ऐसा ही है, तो पूछता है कि आपके पास क्या सबूत है कि आप ये चीज़ करते हो। तो वो चीज़ हो गया, करती तो मैं बहुत कुछ हूँ, लेकिन MBA नहीं बनना चाहती हूँ, बट जो है अपने में ही है, जितना आता है, बहुत खुश हूँ मैं। और हर छोटी बड़ी चीज़ों को लेके मैं, MBA बनना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। और आप लोग जो सवाल करते हो, जो पूछते हो, जो जानना चाहते हो, वो बना देती हूँ। बाकी जो मेरा रेगुलर रूटीन है वही चल रहा होता है, कोई बात नहीं, अभी थोड़ा बहुत चल रहा है जो चल रहा है, क्योंकि रूटीन जो हम दिखाते हैं, हमारा जो रेगुलर रूटीन जो हम फॉलो कर रहे होते हैं, वो तो हमें दिखाना ही होता है। हम ऐसा नहीं है कि किसी को कुछ देखा तो उसके ऊपर हमने वीडियो बना दी, ब्लॉग बना दिया, ऐसा कुछ नहीं है। तो मेरा जो है अपना रूटीन चल रहा है, अगर खाना है तो खाना, बाहर गए तो बाहर, आपको वो सब रूटीन आपको डेली शेयर कर देते हैं। और बहुत ज़्यादा इस समय मेरे पास काम का ऑर्डर आ रखा है, इसलिए मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं इन सब चीज़ों पे ध्यान दूँ। तो थैंक यू फॉर माई
कंपनी जिसने मेरे को इतना अच्छा चीज़ भेजा, मेरे को इसका पता नहीं था। जब मैं फर्स्ट इसको देखा, मैं बहुत हैरान हो गई कि ये है क्या, मैं इसका यूज़ क्या कर सकती हूँ। बट जब मैंने इसका पूरा डिटेल पढ़ा, तब जाके मुझे पता चला कि ये है क्या, ये एक माउथ फ्रेशनर इलेक्ट्रॉनिक पेन है जो कि बहुत अच्छा है, ये सफ़र वगैरह में मैं लेके जा सकती हूँ। तो बस ऐसे ही मेरे वीडियो को पसंद करते रहिए, अगर और भी कुछ जानना है तो कमेंट्स करते रहिए, और लाइक तो ज़रूर कर दिया करें वीडियो में। मुझे आज बहुत हंसी आ रही है, तो हंसी का रीज़न नहीं बता सकती हूँ, और भी काम करने जा रही हूँ क्योंकि लाइफ में और भी बहुत बड़े बड़े काम करने हैं। एमबीए भी बनना है मुझे, और वो वाला एमबीए नहीं बनना, मुझे बहुत आता है, तो वो तो मुझे आता ही आता है, खैर अलग बात है। तो चैनल को फटाफट जो है लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, जो भी मर्जी कर दो, बट कर दो। बाय, गुड नाइट। ऊंची है बिल्डिंग, लिफ्ट मेरा बंद है, ऊंची है बिल्डिंग, लिफ्ट मेरा बंद है, बॉयफ्रेंड का पता नहीं, जिंदगी मेरी जंड है। तो आइए मेरे घर मेहमान बनके, कभी तो आइए आप लोग मेरे घर मेहमान बनके, समोसे, चाट, आलू टिक्की, छोले भटूरे, डोसा, चौमीन, मिठाई, रसगुल्ले, छेना, गुलाब जामुन, सब चीज की खाली फोटो दिखाएंगे, खिलाएंगे कुछ नहीं। पढ़ाई करो, बाकी फेल होने से मत डरो, लाइन मारो, बाकी सैंडल खाने से मत डरो, प्रपोज करो, बाकी चप्पल खाने से मत डरो, काहे कि गीता में लिखा है कर्म करो, फल की चिंता मत करो। करे खुदा करे मोहब्बत में जुदाई ना मिले, खुदा करे मोहब्बत में जुदाई ना मिले, जो मेरी वीडियो को लाइक शेयर ना करे, भगवान करे उसे ठंड में रजाई ना मिले। कर मोहब्बत ड्राइवर से, मत कर मोहब्बत ड्राइवर से, उनका ठिकाना दूरी होता है, मत कर मोहब्बत ड्राइवर से, उनका ठिकाना दूरी होता है, ड्राइवर बेवफा नहीं होते, उनका जाना जरूरी होता है।